दुनिया में सबसे ज्यादा जहरीला जीव सांप को माना जाता है और इंसानों की मौत सबसे ज्यादा सांप की काटने की वजह से होती है। और अगर किंग कोबरा और ब्लैक मामा की बात की जाए तो ये दुनिया के सबसे खतरनाक सांप माने जाते हैं। इनसे ज्यादा जहरीला सांप और कोई नहीं होता। सोचिए, अगर किंग कोबरा और ब्लैक मामा में लड़ाई होता है तो कौन जीतेगा? ये दोनों सांप दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं। जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे तो कौन पड़ेगा किस पे भारी? चलिए जानते हैं। किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप होता है और इसकी लंबाई 18 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 15 किलो हो सकता है। यहीं अगर ब्लैक मामा की बात की जाए तो इसकी लंबाई 14 फीट तक हो सकती है और इसका वजन 2 किलो तक हो सकता है। लंबाई और वजन में किंग कोबरा भारी पड़ रहा है ब्लैक मामा पर। और अगर स्पीड की बात की जाए तो किंग कोबरा की स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा होता है और ब्लैक मामा का स्पीड 19 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। अगर स्पीड की भी बात की जाए तो ब्लैक मामा कोबरा से आगे निकल जाता है। किंग कोबरा इंसानों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। ये इंसानों की बस्ती में गलती से आ जाते हैं शिकार का पीछा करते हुए। अगर कोबरा को खतरा महसूस होता है तभी ये इंसानों को डसते हैं और एक ही बार में इतना अंदर जहर छोड़ देते हैं कि बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्लैक मामा की वजह से अफ्रीका में बहुत लोगों की मौत होती है। ये बहुत गुस्सैल होते हैं। ये अपने शिकारी को लगातार 20 बार डसते हैं जिससे बचने का कोई चांस नहीं होता। ब्लैक मामा अफ्रीका में पाया जाता है और किंग कोबरा भारत में पाया जाता है। ब्लैक मामा शिकार में छोटे जीव को खाना पसंद करते हैं और किंग कोबरा भी छोटे जीव को खाते हैं, पर भूख ज़्यादा लगने पर किंग कोबरा दूसरे सांप को भी निगल जाता है। क्या होगा अगर ये दुनिया के दो सबसे खतरनाक सांप आपस में भिड़ेंगे? किंग कोबरा अपने सामने ब्लैक मामा को देखकर उसे अपना शिकार बनाने के लिए उस पर हमला करेगा। ब्लैक मामा जो कि बहुत फुर्तीला है, कोबरा के हमले से किंग कोबरा पर कई सांपों के जहर का असर ही नहीं होता है। इसी की वजह से किंग कोबरा दूसरे सांपों को भी निगल जाता है। इसके बाद कोबरा ब्लैक मामा को पूरी तरह से जकड़ लेगा और तब तक जकड़े रहेगा जब तक कोबरा के जहर से ब्लैक मामा की मौत ना हो जाती। इस लड़ाई का विजेता किंग कोबरा होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।